अरे क्या तुम जला दी, देखो कैसा जल रहा है। ओह शिट, क्या जलाई थी, क्या था उसमें? सो फिलहाल टाइम हो रहा है 6:30 और मैं जा रहा हूँ स्वाति को पिक करने। अब सुबह से इतना ऑक्यूपाइड था ना कि कैमरा उठाने का टाइम ही नहीं मिला, कैमरा बोले तो मोबाइल, तो टाइम नहीं मिला। तो ये व्लॉग इसलिए शाम में स्टार्ट हो रहा है, और जब पानी नहीं चाहिए ना तब आपको पानी ही पानी मिलता है। तो आज भी काफ़ी बारिश होती रही, मौसम बहुत अच्छा हो गया, मतलब बिल्कुल भी एसी चलाने की तो ज़रूरत नहीं है, गाड़ी में ज़रूरत है क्योंकि बाहर ह्यूमिडिटी। अब मोबाइल से रिकॉर्ड करने में क्या होता है ना कि अगर सामने वाला बंदा बोल रहा है ना तो मोबाइल जो उसके करीब की वॉइस है ना वो ज़्यादा कैप्चर करती है, तो दूसरे बंदे की ना आवाज़ सप्रेस हो जाती है। तो क्योंकि कुछ सेटिंग में चेंजेस किए हैं, लेट्स सी कि वो वर्क करते कि नहीं। क्योंकि अभी नॉर्मली अगर स्वाति भी बैठ के बात कर रही होती, क्योंकि स्वाति को लाने जा रहा हूँ इसलिए स्वाति का नाम ले रहा हूँ, तो अगर वो बैठ के बात कर रही होती तो उसकी आवाज़ ना बहुत धीरे आती, वैसे भी वो धीरे ही बोलती है। अरे यार, अब जो इसका टाइमिंग बेल्ट मैंने ऑर्डर किया है उसका नोटिफिकेशन भी आ गया, होपफुली एक दो दिन में मेरे पास पहुँच जाएगा। तो एक बार टाइमिंग बेल्ट हो जाता है ना तो उसको चेंज कराना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि जिस हिसाब से बारिश हो रही है ना, मतलब अगर ज़्यादा पानी, चलो वाटर लॉगिंग जहाँ पे वहाँ पे धीरे चल रहा हूँ, बट अगर कहीं पे पानी में पूरा ही डूबा हुआ है तब तो फिर गाड़ी का स्टीयरिंग काम ही नहीं करेगा। मेरे क्या लाइयो है, क्या ऑफिस से ले आती, क्या चलना है, घर चलना है, कहाँ चलना है? मैं सोच रहा था कि कहीं घूमने। अच्छा ना, वो तुम्हारी गलती है, मेरी गलती है। डीजल वाला लाइट जल गया भाई, इसमें डीजल डलवाना, पैसे डलवा, वॉलेट लेके आई हो ना ऑफिस। मैं आधे रास्ते घर के आ गया था, जिद करके मेरे को कह रही है चलो मेरे को गाड़ी दिखाओ, गाड़ी दिखाओ, गाड़ी कब आएगी। तो अभी वापस से वहीं पे जा रहे हैं अभिषेक भैया के पास, देखते हैं। तो मेरे आधे कुरियर ना स्वाति के ऑफिस में आते, क्योंकि 99% खुश हो जाओ। गुड़गांव का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सोसाइटी है ये, पता नहीं कब ले पाएंगे। बस सपना है, सपना देखते कब साकार होता है। बारिश हुई है ना, देखो ठेको के बाहर भीड़ है, सारे ऑफिस से निकल के यहीं पे आ जाते हैं। गुड़गांव का कोड चेंज होके ना 26 से ना 98 हो गया है, तो अजीब सा ही लगता है यार HR 98 देख के ना। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि ये गुड़गांव का है, फिर बहुत बाद में पता चला कि नहीं भाई HR 98 एक्चुअली गुड़गांव का ही नया नंबर है। अच्छा नहीं लगता यार, 26 सही है भाई। डीजल कितने का है? डीजल 90 रुपये 50 पैसे डाल दो, 2-3 लीटर। शाम के टाइम पे निकलना सपना, सबसे ज़्यादा दिक्कत ना ट्रैफिक है यार, पूरा मूड का दही हो जाता है यार, इतना हर रेड लाइट पे इतनी लंबी देर तक रुकना पड़ता है ना, और तब भी 2-3 बार तो एक ही सिग्नल पे रुकना पड़ जाता है। तो मेरा लैपटॉप खोल के क्यों बैठी थी, काम कर रही थी? इधर आ, इधर आ, इधर आ लेजी फेलो, इधर आ, इधर आना स्कूबी, चल 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 चल, चलेगी, चल बाहर चलते हैं। तो बहुत बहुत बड़ी है, तू आ जा मेरे पास ना। क्या बना है, चाय? चाय फिर से वैसे ही नहीं, आज वैसे मत बनाना प्लीज। चाय नहीं आ रही है घर में। अरे क्या कर रही है उसको भी यार, तू पागल है क्या? हाँ बेवकूफ है थोड़ी सी, चाय गिर जाएगी मम्मा के ऊपर। हाँ तो चलो टी टाइम, और ये पता नहीं क्यों इसको ऐसा लग रहा है कि ये भी चाय पिएगी। ये मखाने खाने आई है सिर्फ और कुछ नहीं। यार तुम इस पे नहीं चढ़ सकती हो ना ये, मम्मा हाँ। हमारे घर में अगर सबसे ज्यादा नवाबी किसी की है ना तो वो स्कूबी की, इतनी ज्यादा पैम्पर्ड है ना वो, एक्चुअली देख रहे हो वहाँ पे एक चादर लगा हुआ है क्योंकि वो वहाँ पे आके बैठती है, जब हम बाहर चले जाते हैं ना तो शी कम्स एंड सिट देयर, और अभी चाय भी वहीं पे पी रही है। वो नहीं पी रही है चाय, मतलब चाय इन द सेंस के हमारे साथ, तो वो चना, यू नो शी इज ईटिंग चना, चना खा रही है क्योंकि वो नॉर्मली सॉल्ट वॉल्ट नहीं खा सकती ना। स्कूब्स बहुत बदतमीजी है तुम्हारी, पीछे जाओ, पीछे जाओ, गो गो बैक, पैरट आओ, पैरट आओ, चलो पैरट आओ, गो बैक, गो बैक, बहुत हर दिन कैसे देख रही है यार। तुमने सारा ना बर्बाद ना तुमने किया इसको, मेरे को नहीं किया है, उसको ज्यादा किया है। कैसे बैठी हो बेटा आधा लटक के, हाँ देख रहे हो कैसे बैठी है आधा लटक के, मतलब ये इतनी चालू है ना, इतना चालू है ना ये लड़का लड़की, एक्चुअली दोनों, अब उसको मतलब ही नहीं है हमसे ना, अभी तक इधर बैठी थी, अभी दीदी आई तो उधर चली गई, तो बहुत ज़्यादा दल बदलू है ना। ऑलमोस्ट 2:20 और मेरे खुरापाती दिमाग में कुछ आइडिया चल रहा है, सबसे पहले कि ये टीवी यहाँ से रिमूव करेंगे, अब एक्चुअली बहुत अंधेरा है,
अब एक्चुअली यहाँ पे आज जब हम चाय पी रहे थे यहाँ पे बैठ के, तो मैंने देखा यहाँ पे एक टीवी का स्लॉट है, बट एक्चुअली हम यहाँ पे कम बैठते हैं, तो ये वाला स्लॉट ना बहुत ही गंदा लगता है, तो वो टीवी यहाँ पे शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि वो 55 इंच है तो पता नहीं इसमें आता है कि नहीं आता है, वो देखना पड़ेगा। और जो दूसरा टीवी है तो या तो उसको शिफ्ट करेंगे या फिर इस वाले टीवी को शिफ्ट करेंगे, क्योंकि दोनों बेडरूम में टीवी लगा हुआ है, तो इन दोनों में से एक टीवी आगे शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे रिप्लेस करेंगे इस 55 इंच को 65 इंच से। वो काम है, हैं? कॉकीज! अरे खेल रहा है यार, खेलने दो ना। छूता कॉकीज! अरे मत मारो ना, क्यों मार रही हो? जीव हत्या मत करो यार। क्या कर रही हो? जी अगर वो मर गया ना सोना, मैं YouTube पे डालूंगा तुम जीव हत्या कर रही हो। ऑलमोस्ट हमें सोते सोते इतना टाइम हो ही जाता है, 2-3-4 बज ही जाते हैं, तो फिलहाल अभी बनाते हैं चाय और चाय पीते हैं। चलो तुम बनाओ। चल बे, मतलब फिलहाल बनवाते हैं चाय, नॉट बनाते हैं। आई करेक्ट माई वर्ड्स माई लॉर्ड। आज ये प्लान है अपना, आज हम रात भर अपना दिमाग इस चीज में लगाएंगे, है नी? अरे फिर तुम कड़ी पत्ता डाल दी यार। चले क्या बाहर? मुझे तो लगा गिर गया, कंटेंट मिलेगा। रात में गिरा चाय। बस यही चाहिए तुमको कि मेरी बीवी कोई गलती करे और मैं उसको कैप्चर करूं। हाँ, तो फिलहाल टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है? स्कूप सा इधर आ। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं कर रहा था एडिटिंग, रात भर सोया नहीं। मौसम अच्छा हो रहा है यार, मौसम सीरियसली अच्छा हो रहा है। स्कूप, मैं तेरे को बुला रहा था ना। सो वीडियो रेंडर पे लगा दिया है एंड 44% कम्प्लीट हो गया है। सुबह के ऑलमोस्ट 8 बज गए यार, तो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर चलेंगे काम पे। है नहीं, काम पे चलेंगे। ये भी नहीं सो पाती यार, हमारे वजह से तो ये इतनी डिस्टर्ब्ड होती है ना। क्या बना रहे हो ब्रेकफास्ट में? बाप रे, कितने डरा दिए मेरे को। जल रहा है यार, ये देखो पता नहीं क्या चला हुआ है। स्कूप्स, ये क्या पता नहीं क्या जला दी स्वाति, ठीक ऑन करके भूल गई, पता नहीं क्या बना रही थी, पूरा घर महकने लगा यार। अरे क्या तुम जला दी, देखो कैसा जल रहा है। ओ शिट, क्या जलाई थी, क्या था उसमें यार? शिट, क्या चाय बनाई थी अपनी यार। ये कितना कैसा चाय है जरा दिखाना। शिट यार, हाँ चाय दिखाना एक बार, कैसा चाय है। आज मैं भैया को किसी भी बोलता रहा, बोल के ना तुम्हारी गाड़ी मंगवाता हूँ, तुमने मेरे को ना कुल ड्राइवर बना लिया है। बैठो जल्दी, चलो बैठो, नाटक मत करो। कैमरा देख रहे तो बोलोगी नॉट अनकी। अब वैसे तो मेरा ऑफिस सामने है, बट क्योंकि स्वाति को छोड़ना है तो मुझे एडिशनल 10 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा और फिर 10 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा, और ये लड़की मुझे उसके लिए ना पैसे भी नहीं दे रही है। तो कुछ भी क्या, जाना तो पड़ ही रहा है ना। ऑफिस की पार्टी तो हो ही नहीं रही, पार्टी 2 साल पहले की बातें मत करो। मेरा पैकेट ले लेना और एक मेरा एक और बड़ा पैकेट आएगा। हाँ मेरा पैकेट रख लेना और एक हाय गुड मॉर्निंग, एक बड़ा पैकेट आएगा। आम खाया जाए, आम भी वैसे ज्यादा बचा नहीं है। ओहो ऐसा गला गला क्यों लग रहा है? अच्छा वाला खाया जाए, गला वाला तो मैंगो शेक में बन जाएगा, 2 आम तो बनता है भाई। तुम आ गई, गाड़ी आ गया, गाड़ी का भी काम बाकी है तुम्हारी वजह से जल्दी। हाँ अभी खटर-खटर कर रही है आज। खटर-खटर नहीं कर रही है, उसका रबिंग पॉलिशिंग बाकी है, तो अभी मैं चला के देखूं। चलो नीचे, वो सामान आया ना, मैं ले आया दीदी, अभी चीज। अरे रुक जाओ भाई, ऐसे नहीं, तुमको प्रॉपर अनबॉक्सिंग पता ही नहीं है, तुम YouTube पे लगता वीडियोस नहीं देखती। पकड़ो, ओके तो ये जी है हमारा प्रिंटर, एंड ये प्रिंटर मैंने कल ऑर्डर किया था रात में और ये आज आ भी गया, तो ये तो पहला प्रोडक्ट है जो आ रहा है। और एक्चुअली एक कपड़े क्यों ऑर्डर होते हैं? अरे मेरे पास कपड़े नहीं रहते ना, तो इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन इसमें कॉटेज कहाँ डालना है? कॉटेज देखो साइड में इस साइड कहीं पे है। ओके तो फाइनली निकल गया कार्टेज लगाने वाला। एक्चुअली ये जो था ना एकदम अंदर चला हुआ था, मतलब अंदर चला गया था, तो अब ये मैनुअल पढ़ के अपन ने निकाल लिया
अब इसको सेटअप कैसे करना है भाई, प्लग एंड प्ले है क्या? तो ये डाउनलोड करते हैं। प्रिंटर तो अपने यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ से जो अपना कचड़ा था, कचड़ा तो नहीं मतलब बहुत मेस था, वो क्लियर कर दिया। स्कूप्स हट, देख रहे हो इतनी लालची है ना ये, अभी ऐसे करके ना इसको वेट होगा कि भाई अभी कुछ खिलाएगा, अभी कुछ खिलाएगा। पीनट बटर आया ना इसलिए। फाइनली प्रिंट आ रहा है, तो हमें बस जाके क्या लाना है, पेपर का रिम, नहीं पेपर का रिम नहीं, रिम पेपर का ही होता है। चलो आज इस गाड़ी को लेके जाएंगे, इसमें भी अभी थोड़ा सा काम बाकी है। एक्चुअली बारिश हो रही है तो रबिंग पॉलिशिंग नहीं हुई है, अंधेरा कितना ज़्यादा है। अरे आप खड़े होके खाने छोड़ो, पार्किंग के लिए जगह कहाँ है, यहाँ तो गाड़ियाँ वो पता नहीं कहाँ से आ रही है वो। अरे भैया मार मत देना, ये कितने का है वो कितने का है। तो अपना खाना पार्सल होता हुआ, अब जल्दी से पार्सल होता है फिर घर निकलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 9:30 होने वाले हैं। हाँ बटर नान दो, चटनी हो गया ना, चटनी प्याज, थैंक यू। इस मार्केट में चाहे कोई भी दिन हो हमेशा इतनी गाड़ियाँ रहती हैं। तो भाई मैं कह रहा था कि आधे लोग तो यहाँ पे गाड़ी में शराब पीने आते हैं, बिकॉज क्योंकि खाने के बहुत ऑप्शंस हैं ना। तो दिल्ली में भाई ये कल्चर हो गया है, दिल्ली गुड़गांव में, कि लोग जहाँ खाने के लिए कुछ मिलता है लोग दारू की बॉटल लेके बैठ जाते हैं। दिल्ली में कोई बिजनेस चले ना चले, खाने का बिजनेस ना ताबड़तोड़ चलने वाला है। चाहे कुछ भी खोल लो आप, रेड़ी भी खोल लोगे ना तो आपका बिजनेस सही जगह पे अगर खोलोगे ना, अरे चाचा बेल्ट लगा लेते हैं तो बिजनेस जरूर चलेगा। देखो बोलते कि तुम बताती हो। अरे मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि गाड़ी खाई। अरे चलना, तुमने इंटेंशनली कुदाया है। अरे वो टेस्टिंग जरूरी है ना भाई। तुम चलाते भी गाड़ी ऐसी ही हो। हल्की है ना तो मजा आता है यार। इसको पानी में नहीं आवा।